थोड़ी सी डराने वाली खबर है, क्योंकि जो पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, उनका एक एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उनको एक्सीडेंट कोई भी चोट नहीं आई, साथ साथ उनका बेटा भी था, जो दोनों ही यहाँ पर आपको बता दूं कि सुरक्षित है पूरी तरह से, उन्हें कोई भी चोट नहीं आई। आपको बताएं कि मेरठ का जो डीएम रेसिडेंस है वहां पर वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे, डिफेंडर उनकी गाड़ी थी, उससे वारदात, पीछे से एक तेज स्पीड में यहाँ पर तेज गति में कंटेनर ने आके टक्कर मारी। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रवीण कुमार और उनके बेटे पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित हैं, उनको कोई भी चोटें यहाँ पर नहीं आई हैं, और पुलिस ने जो कंटेनर का ड्राइवर था उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं 2011 में काफी अच्छा प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ प्रवीण कुमार की, 2008 में सीबी सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था अगर बात की जाए प्रवीण कुमार की यहाँ पर, और बहुत ही छोटा उनका करियर है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखें तो चोटों की वजह से उनका करियर छोटा हो गया था, लेकिन जितने समय वो खेले बड़ा ही शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन अच्छी बात जो खबर निकल के आई थी वो यही है कि उनको चोट यहाँ पर नहीं आई है, पूरा जो उनका परिवार है, जो उनका बेटा उनके साथ था, वो पूरी तरह से